तो दोस्तों आप भी अगर मेरे तरह एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मनोज दे को फॉलो करो, यूट्यूब वाले बाबा को फॉलो करो। पर भाई पहले तू तो यूट्यूबर बन जा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो एक जमाना था जो मैं इसका हर वीडियोस देखता था और मुझे भी लगता था कि मैं भी एक यूट्यूबर बन सकता हूँ, पर बन क्या गया? चपरासी। तो दोस्तों आज बात करेंगे मनोज दे के बारे में, जो सुनने में आ रही है कि फॉर्च्यूनर ले लिया, करोड़ों का घर बना लिया, मोबाइल का शॉप भी खोल लिया। अरे हाँ भाई हाँ। और तुम क्या कर रहे हो? इसके वीडियोस पे फर्स्ट लाइक कर रहे हो कि आज मैंने मनोज भाई के वीडियोस पे फर्स्ट लाइक किया। अब मनोज भाई तुमको अवार्ड देंगे कि भाई साहब मेरे वीडियोस पे फर्स्ट लाइक किया है, इसको अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। अरे अभी तो सुधरो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया और तुम क्या कर रहे हो? इसके कमेंट सेक्शन में जाके कॉन्ग्रेचुलेशन मनोज भैया लिख रहे हो और रिप्लाई में क्या आ रहा? अजय घंटा। और अब तो घंटा भी नहीं आएगा, अगर तुम इससे अब मिलने भी जाओगे ना तो लात मार के भगा दिया जाएगा, क्योंकि अपना मनोज भैया बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है ना लोगों को चूतिया बना के। पूरे एक साल के बाद मजबूरन मुझे ये वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। एक साल पहले मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, लेकिन एक साल के बाद फिर से मजबूरन ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। अभी क्यों अपलोड करना पड़ रहा? क्योंकि कंटेंट जो नहीं मिल रही है, और अगर वीडियो नहीं बनाओगे तो फॉर्च्यूनरवा का लोनवा कहाँ से भरोगे? और सुनने में आ रही है मनोज भैया बाप बनने वाले हैं। क्या बन भी गया ससुर? मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब अपना मनोज भाई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गए हैं। अब गांव में एक प्रॉब्लम होता था, वहाँ पर डेली सुबह जैसे ही मैं घर के बाहर निकलता था, मतलब कि सैकड़ों की संख्या में लोगों का भीड़ लगा हुआ रहता, डेली 50-100 आदमी का भीड़ बाहर में। अरे मनोज भाई टेंशन काहे ले रहे हो? अभी सैकड़ों में लग रहे ना, कुछ दिन में लाखों में लगेंगे, क्योंकि अगला सलमान खान आप ही हो ना। अरे बॉलीवुड का स्टार हो आप, तो भीड़ तो लगेंगे ही। तो गाइज जल्दी से मनोज भाई से दोस्ती कर लो, क्या पता अगला बिग बॉस सीजन में आपको बुला ले। अगर आप मेरे घर पे आते हो, मेरे धनबाद में आते हो, मेरे गांव पे आते हो, तो मैं आपके वीडियो में नहीं आऊंगा, आप फोटो ले सकते हैं। अरे बस बस इसके आगे हम बताते हैं, मनोज भाई तुम्हारे वीडियो में इसलिए नहीं आने चाहते क्योंकि अगर ये तुम्हारे वीडियो में आ जाएंगे तो हो जाएगी वीडियो वायरल और तुम बन जाओगे यूट्यूबर। और ये मनोज भाई कभी नहीं चाहते कि तुम यूट्यूबर बनो, क्योंकि अगर तुम यूट्यूबर बन गया तो इसका वीडियो कौन देखेगा? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कोई आता है तो बोलता है मनोज भाई मैं 500 किलोमीटर से आया हूँ, मैं 700 किलोमीटर से आया हूँ, कोई बोलता है मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो आप एक चीज बताओ, अगर आप मेरे फैन हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मुझे इतना दिल से चाहते हो, तो आप जो मिलने आते हो तो मिलने का मतलब क्या होता है? वीडियो बनाना? ये मुझे समझ में नहीं आता, ये क्या सेंस है कि अगर आपको मिलने का मतलब है कि आपको मेरे साथ वीडियो बनाना है, ये कैसा मिलना है भाई? अबे उसे यूट्यूबर बनना है और ये हर यूट्यूबर चाहता है कि उसके वीडियोस पे व्यूज आए। क्या मतलब कि मैं भी मनोज दे के नाम से व्यूज ले रहा हूँ? अजय लैंड है मेरा। जब कोई आता है तो बोलता है मनोज भाई मैं 500 किलोमीटर से आया हूँ, मैं 700 किलोमीटर से आया हूँ, कोई बोलता है मैं आपसे मिलने आया हूँ, मिलने का मतलब क्या होता है? वीडियो बनाना? ये मुझे समझ में नहीं आता, ये क्या सेंस है कि अगर आपको मिलने का मतलब है कि आपको मेरे साथ वीडियो बनाना। अरे मनोज भैया वो 500 किलोमीटर से चल के इसलिए तुम्हारे पास आते हैं ताकि उसका कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ सके और वो अपने चैनल पे अच्छी तरह से काम कर सके। लेकिन नहीं काट रहा है। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि अगला यूट्यूबर बने क्योंकि तुम्हारा भी व्यूज डाउन हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साफ तरीके से कहूँ तो मनोज भाई अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मान चुके हैं। हाँ वो बात अलग है कि इसके गांव वाले इसके मुंह पे मूंद के चले जाते हैं। शाबाश। क्या अगर आपको मिलने का मतलब है कि आपको मेरे साथ वीडियो बनाना है, ये कैसा मिलना है भाई? अगर आपको मिलना है, आप मेरे सब्सक्राइबर और फैन हो, तो आइए मिलिए मेरे से, बातचीत कीजिए। अच्छा। 5-10 मिनट बात कर लीजिए, कुछ जानना है जान लीजिए, कुछ सीखना है मैं सिखा दूंगा, आपको फोटो लेना है फोटो ले लीजिए, लेकिन वीडियो क्यों बनाना है? अरे भाई वो तुम्हारा काम है, वीडियोस पे व्यूज कैसे लाना है वो बताना, और तुम्हें वीडियो में आने से ठुकरा रहे हो। तेरी बहन का
और अपना मनोज भाई कान खोल के सुन लो, फाइनल रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आज के बाद कोई आते हो घर पे वीडियो में मैं नहीं आऊंगा। आप मेरे धनबाद में आओगे, घर में आओगे, वीडियो में नहीं आऊंगा। शाबाश साले बड़वे, सटिया गया है तू। अपने फैंस का इज्जत कैसे करते हैं वो सिद्धू मूसेवाला से सीखना चाहिए तुमको। अभी अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो उस पर घमंड मत करो, नहीं तो क्या पता किसी दिन महाकाल का तीसरा आंख खुल जाए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है आप मेरे चैनल पर A to Z हर एक दिक्कत का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ। अबे जब तुम मुझसे मिलेगा ही नहीं, मेरे वीडियोज में आएगा ही नहीं, तो मैं तुम्हारे वीडियोज को क्यों देखूं? इससे अच्छा मैं यूट्यूब वाले बाबा से मिल लूं, वो तो चैनल भी प्रमोट करता है। अभी यूट्यूब चैनल है 10,000 रुपए इसकी भी, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रमोशन हो गया। सोच रहा हूँ मैं भी मिल लूं, क्या पता मेरा भी मिलियन हो जाए। औकात में रहो। मिलियन को तो पता नहीं गाइज, लेकिन अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो 3K जरूर हो जाएगा, तो कर दो सब्सक्राइब। कोई तरीका है भीख मांगने का? और अब तो मुझे डर भी लगने लग गया कि अगर ये वीडियो मनोज दे देख लिया तो कहीं स्ट्राइक ना मार दे, तो इसीलिए इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहां तुम हमसे बात भी कर सकते हो।